पढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। पुलिस कर्मियों ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया है, रबर बुलेट गन का भी अभ्यास किया गया है यहां पर, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। एसपी शशि शेखर की मौजूदगी में ये अभ्यास किया गया है, तो उन्नाव पुलिस लाइन में ये अभ्यास किया गया है एसपी के नेतृत्व में और उनकी मौजूदगी में। फिलहाल ये बड़ी जानकारी उन्नाव से, जहां पर कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उन्नाव से, जहां पर एसपी शशि शेखर की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण अभ्यास किया है। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये दंगा नियंत्रण अभ्यास किया जा रहा था। पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण अभ्यास जो है पुलिस लाइन में किया है एसपी की मौजूदगी में। दरअसल आपको बता दें, कानपुर में जिस तरह से 3 जून को हिंसा हुई, उसके बाद से किस तरह से दंगे को नियंत्रण में किया जाए, इसको लेकर पहले से ही ये अभ्यास किया जा रहा है कि इस तरह की किसी भी तरह से स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सके। उन्नाव से ये बड़ी जानकारी, जहां कानपुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर यहां पर एसपी की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण अभ्यास किया है पुलिस लाइन में। रबर बुलेट गन का भी यहां पर अभ्यास किया गया है।